अभिषेक उपाध्याय का सबसे पहले लेकिन हम रुक करेंगे नंदीग्राम से, वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अभिषेक, कार में बैठे नजर आ रहे हैं आप, कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है बताएं जरा। देखिए, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ समीर हल्दिया की तरफ, जहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करने निकले हैं शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने यहाँ पर दो मंदिरों में दर्शन किए और अब वो नॉमिनेशन फाइल करने निकले हैं। वहाँ पर एक रैली भी है जिसमें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। तो अभी अभी कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने नॉमिनेशन फाइल किया है, अब शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर निकले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा पहलू है वो यही आकर के टिक गया है कि प्रतीकों की जो राजनीति हो रही है, उस प्रतीकों की राजनीति में कौन कितना खरा है, कौन असली है और कौन नकली है, पूरी राजनीति अब इसी दिशा में यहां जाती हुई नजर आ रही है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बने रहे आप हमारे साथ। रितेश तिवारी जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं नामांकन से एंड पहले शुभेंदु अधिकारी ने दो मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की है, लेकिन इससे पहले जब ममता बनर्जी पूजा पाठ करने के लिए अपने नामांकन से पहुंची थी तो आप लोगों ने सवाल खड़े कर दिए थे और कहा था, देखिए वोटरों को रिझाने के लिए हिंदूवादी बनने की कोशिश कर रही हैं, अब अपने शासन में तो उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण किया। संवाददाता पिछले 2-2.5 महीने से कलकत्ते के गली गली में घूम रहे हैं, अभी भी कलकत्ते के शहरों में, अभी भी कलकत्ते बहुत सारे शहरों में नमाज अता करते हुए उनका फोटो कलकत्ता में दिखता है। लोकसभा 2019 के चुनाव परिणाम आने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि उनके तुष्टीकरण का परिणाम बंगाल की जनता ने लोकसभा में दिखाया और उसका ही रिजल्ट था कि बंगाल की जनता ने कभी दुर्गा पूजा के लिए सरकार से पैसा नहीं मांगा, कभी बंगाल की पुरोहितों ने उनसे पैसा नहीं मांगा। तो लोकसभा चुनाव के बाद पुरोहितों के लिए उन अलाउंस देने का निर्णय किया, दुर्गा पूजा में सरकारी खजाने से पैसा देने का निर्णय किया। अब वो लाख मंदिर मंदिर जाए, ममता बनर्जी अपने आप को निश्चित रूप से पूजा करना, मंदिर जाना उनका धर्म है, उनका अधिकार है। इस पर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कोई टीका टिप्पणी करना व्यक्तिगत रूप से मैं पसंद नहीं करता और उचित भी नहीं है, लेकिन उनका चुनाव के दरमियान इस तरह मंदिर मंदिर जाना और अपने मंत्री बॉबी हकीम को तोहा सिद्दीकी के घर भेजना, इस बात का परिचायक है कि ये मंदिर तो बहाना है, कहीं और निशाना है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।